जहाँ तक केचुआ खाद का प्रश्न है, कितनी मात्रा डाली जाए? मात्रा अलग अलग फसलों में अलग अलग। धान फसलों में 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ खाद डाली जाती है, और जो गन्ना आदि फसलें जो भारी उत्पादन वाली हैं उनमें 3 क्विंटल प्रति एकड़ डाली जाती है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। और जो बागवानी है, बागवानी में केले में 1 किलो प्रति पौधा डाला जाता है, आम में 1 किलो प्रति पौधा डाला जाता है, जो भारी परीक्षण में 1 किलो, बाकी जो गमलों में है उसमें 50 ग्राम प्रति गमला से लेकर 150 ग्राम गमला तक डाला जाता है, इससे ज़्यादा खाद नहीं डाली जाती, क्योंकि ये भारी भारी जीवाश्म की खाद है, इसलिए इसमें नुकसान हो जाता है अधिक मात्रा में डालने पर। लेकिन इसके लिए अगर खेत दोबारा मांगे तो दोबारा आप डाल सकते हैं, लेकिन प्रथम बार केवल यही मात्रा पर्याप्त है। दलहन की बात कर लें कि दालों में मसूर की जो फसल हुई या हमारी चना की, मटर की, तो इनमें किस किस टाइम और कितनी कितनी मात्रा में डालना है खाद? इनमें जो दलहनी फसलें हैं इनमें बुआई के पहले ही पूरी मात्रा डाल दी जाती है, क्योंकि ये काम जो केचुआ खाद है ये काम NPK और DAP का करती है, इसलिए इसको जो हम दलहन की फसलों में पहले डाल लेते हैं, दोबारा इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बात हम कद्दू वर्गीय फसलों की करें तो उसमें भी आप बताएं कि कितने समय में, किस कितने अंतराल पर कितनी कितनी खाद देनी है? कद्दू वर्गीय फसलों में जहाँ तक सवाल है, कद्दू वर्गीय जो फसल है ये सब्जियों की फसल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डालना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी 250 ग्राम प्रति पौधा जो भारी पौधे हैं उनमें पड़ेगी, बाकी जो गमलों में लोगों ने लगा रखे हैं उनके लिए 50 से 150 ग्राम काफ़ी है। तिलहन की बात कर लेते हैं तो उसमें कितनी मात्रा पड़ेगी? तिलहन में भी वही मात्रा है जो धान्य फसलों में है, वो तिलहन में भी। इसके साथ साथ सब्जियों की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा आलू हुआ, बैंगन है, टमाटर है, इत्यादि फसलें हैं, उनमें भी जो मात्रा पड़ती है वो आप बताएं। देखिए, आलू एक ऐसी फसल है जिसे अत्यधिक खाद की ज़रूरत है, लेकिन अगर 3 क्विंटल प्रति एकड़ हम पहले से डाल लेते हैं, उसके बाद जब दोबारा मिट्टी चढ़ाते हैं तब फिर से हम डाल लेते हैं 3 क्विंटल प्रति एकड़, तो हमें NPK, DAP और यूरिया कुछ नहीं देना पड़ेगा, केवल 6 क्विंटल प्रति एकड़ पर हमारी खाद, यानी आलू पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, आलू पर रासायनिक खाद के नाम से 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बैंगन की बात कर लेते हैं, बैंगन भी तो वही फसल है, उसमें भी उतनी मात्रा चाहिए, यानी 3 क्विंटल प्रति एकड़। अगर जरूरत फिर से महसूस होती है, फसल देखकर मालूम पड़ जाता है कि फसल कितनी खाद मांग रही है, अगर फिर से मांग रही है, फसल मांग रही है, तो आप आधी मात्रा फिर से डाल सकते हैं, क्योंकि ये फसल के लिए तो वरदान ही है, सब्जी के लिए तो वरदान है।